हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट। एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छे हैं ना? पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना बेटा? पढ़ाई को ना स्लो मत होने दीजिएगा, क्योंकि अब की बार आपको पता है ना कि सिलेक्शन लेना है, ये आपकी जिद है, और अब की बार आपको सिलेक्शन दिलवाना है, ये मेरी जिद है। तो इस बात को भूलिएगा नहीं। और इसी बात को लेते हुए आज का ये जो हमारा सेशन होगा, इसमें हम लोग हिंदी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा लिटरेचर का पार्ट होता है ना बेटा, उसको कभी भी आप रट कर नहीं याद कर सकते। अगर आप ये सोचे कि हम इसको रट लें, तो आप कभी भी उनको रट नहीं सकते। आप इनका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपका तैयार होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं, और उनसे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो बातें भी मैं आप सभी को बताते चलूंगी। आपका मन रहेगा तो आप सभी नोट डाउन भी करते चलिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा, आप सभी देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस लिंक के थ्रू आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं ना, वो लोग अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि पता है ना आपका एग्जाम, सारे एग्जाम जो है अब शुरू हो चुके हैं। यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अब बैक टू बैक आपके एग्जाम है। तो जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं ना, अब आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे लाइव हैं वो लोग वीडियो को शेयर भी कर दें, जो भी आपके पास दोस्त फ्रेंड ग्रुप जो भी है, आप लोग जरूर शेयर करिए। क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने ज्यादा बच्चे लाइव होंगे, उतना ही अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा आप लोगों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आप सभी से। आप सभी के सामने पहला प्रश्न दिया गया है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया है आप सभी में, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या फिर नागार्जुन जी हैं। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा इसका आंसर नहीं कर पाएगा। साकेत के बारे में पूछा गया है, यस बहुत बढ़िया। साकेत जो है वो किसकी है? वो मैथिली शरण गुप्त जी की है ना। और मैथिली शरण गुप्त जी की अगर हम बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि एक तो इनकी जो है ये साकेत है, इसके अलावा इनकी यशोधरा भी इन्हीं की रचना है। मतलब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए यशोधरा किसकी रचना है, जयद्रथ वध भी बहुत पूछा जाता है कि जयद्रथ वध किसकी रचना है, रंग में भंग किसकी रचना है, रंग में भंग अगर कभी भी आपसे पूछा जाए किसकी रचना है, तो भी आप इन्हीं का बताएंगे। भारत भारती भी बहुत पूछा जाता है, आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है। भारत भारती, पंचवटी, कोई भी अगर ये पूछा जाए ना ये सारी रचनाएं किसकी है ना, तो आप सभी ऑप्शन में देखेंगे। और अगर आपको जो है मैथिली शरण गुप्त जी ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत बताएंगे। और आपको पता है ना कि मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि कहा जाता है। मतलब कभी भी अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्र कवि किसको कहा जाता, तो मैथिली शरण गुप्त जी को। डन। और नागार्जुन जानते हैं आप? नागार्जुन को क्या कहा? जन कवि कहा जाता है, जन कवि। और नागार्जुन कौन है आपको पता है? नागार्जुन कौन है बताइए जल्दी से। वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी रचनाएं क्या हैं? अकाल और उसके बाद, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अकाल और उसके बाद किसकी रचना है? बहुत बार देखेंगे प्रीवियस ईयर में कई बार आया हुआ है। बहुत दिनों के बाद किसकी रचना है, तो भी आप इन्हीं का बताएंगे, नागार्जुन का। बहुत दिनों के बाद। और एक और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भस्मांकुर। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए भस्मांकुर किसकी रचना है, तो भी आप इन्हीं का नाम बताएंगे। क्लियर हो रहा है सबको? और आपको अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की बात करें, तो जयशंकर प्रसाद याद रखिएगा, आधुनिक कविता का इन्हें क्या कहा जाता? सुमेरु कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक कविता का सुमेरु कभी भी पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो तुरंत बताएंगे कि जयशंकर प्रसाद जी को। कलाधर किसको कहा जाता है, तो भी आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी को। झारखंडी किसको कहा जाता है, तो भी आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी को। और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं क्या है?
कामायनी इनकी रचना है। देखिए सारे एक क्वेश्चन से कितने प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। उर्वशी इनकी रचना है, आंसू इनकी रचना है, झरना इनका रचना है, पल्लव इनकी रचना है। मतलब इसमें से कुछ भी अगर ऐसे पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे। और अगर हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का, तो बताइए इनको क्या कहा जाता है? इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है ना, प्रकृति का सुकुमार कवि बहुत पूछा जाता है, किसे कहा जाता है? पहली चीज है प्रकृति का सुकुमार कवि। इसके अलावा इन्हें अप्सरा लोक का कवि कहा जाता है। कभी भी आपसे ये भी पूछा जाए अप्सरा लोक का कवि किसको कहा जाता है, तो भी आप इन्हीं का नाम बताएंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी का। क्लियर हो रहा है ना सभी बच्चों को? सभी लोग बता देंगे, जहां पे जिनको कंफ्यूजन होगा वो लोग तुरंत पूछेंगे कि मैम ये चीज हमें नहीं समझ में आ रहा है। और इनकी रचना है क्या? इनकी रचना चिदंबरा है, पल्लव है, उत्तरा है, लोकायतन है, युगबाड़ी है, ग्राम्या है, ये सारी इनकी क्या है? रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी लग रही है ना क्लास? क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको प्रश्न करवाना नहीं है, क्योंकि प्रश्न तो आप घर पे भी प्रैक्टिस पेपर से कर लेते, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही तो प्रश्न है, तो आप पेपर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि आप एक प्रश्न करिए, लेकिन उस प्रश्न से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, हर वो इंपॉर्टेंट बातें आप जरूर समझिए, ताकि आपका अगर उस वो प्रश्न या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आप गलत मत करके आइएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार, जल्दी से सभी बच्चे, ये तो बहुत इजी सा है। जय भारत, अभी मैं आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये अभी जो है प्रश्न था, इसीलिए जय भारत भी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचना है। ए वाला इसका ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? मूर्ति पूजा विरोध का नहीं दिया था, जाति प्रथा खंडन का, स्त्री पुरुष की समानता का, या फिर हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन का? कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत, जल्दी से बताइएगा, कबीर ने किसका? कबीर ने मूर्ति पूजा विरोध का भी दिया था, जाति प्रथा का भी इन्होंने खंडन किया था, हिंदू मुस्लिम पाखंड का भी खंडन किया था, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता के बारे में इन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया था। इसका मतलब इसका कौन सा आंसर सही है? थर्ड वाला आंसर राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है? वक्रोक्ति अलंकार का उसमें प्रयोग ज्यादा किया गया, अनियोक्ति के रूप में है वो, समायोक्ति के रूप, समाशोक्ति के रूप में है, या फिर रूपक काव्य के रूप में है? जल्दी से बताएं आप सभी, जल्दी से जल्दी से। आपको पता है जो है इसका क्या आंसर है? आप सभी को पता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जो है इनकी रचना थी, ठीक है, जो कि किस पे? ये प्रेम लौकिक पर आधारित थी, तो प्रेम लौकिक की बात किया गया था, यानी कि अगर आप इस रचना को पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्या, उसमें जो है जिसमें समान कार्य के लिए, समान लिंग, समान विशेषण के द्वारा किसी प्रस्तुत वर्णन से अप्रस्तुत का ज्ञान होता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? वो समाशोक्ति कहलाता है। और किसने कहा था कि जो है जायसी जी का जो पद्मावत है वो समाशोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो याद रखिएगा, इसको कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही थी। और समाशोक्ति क्या है? ये एक प्रकार का बेटा ना अर्थालंकार है, ये याद रखिएगा, ये एक प्रकार का अर्थालंकार है जिसमें प्रेम अलौकिक का वर्णन किया जाता, मतलब किसी प्रस्तुत वर्णन का अप्रस्तुत जो ज्ञान होता उसे ही समाशोक्ति के रूप में जाना जाता है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही है? इसका भी थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत अच्छा सभी लोग कर रहे हैं, और भाई सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का आपको नाम बताना है। गबन है, रंगभूमि है, मंगलसूत्र है, या फिर सेवा सदन है? जल्दी से।
सारे बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र। मंगलसूत्र ही तो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद्र को क्या कहा जाता है? प्रेमचंद्र को पता है आपको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कभी भी आपसे पूछा जाए उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है, कलम का सिपाही किसको कहा जाता है, ठीक है, कलम का सिपाही किसको कहा जाता है, ठीक। कभी भी आपसे पूछा जाए नवाब राय किसको कहा जाता है, नवाब राय, धनपत राय, धनपत राय किस कौन है, तो ये सारी बातों पे याद रखिएगा किसका नाम, प्रेमचंद्र जी का। डन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 11 जून को, या फिर 15 सितंबर को? हिंदी दिवस। हाँ बहुत बढ़िया, ये तो भाई बहुत इजी सा प्रश्न है, किसी का नहीं गलत होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को ना हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत में हिंदी को राजभाषा कब के रूप में कब घोषित किया गया था? हिंदी राजभाषा है ना भारत की, तो इसको राजभाषा के रूप में कब दर्जा मिला था? तो याद रखिएगा 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। हिंदी को किस रूप में घोषित किया गया था? राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। और राष्ट्र प्रचार प्रसार सहित वर्धा के अनुरोध पर, किसके अनुरोध पर? वर्धा के अनुरोध पर, ठीक है। क्या बात कही गई थी कि भाई जो हमारा 1953 में ये कहा गया था कि 14 सितंबर को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा दिवस मनाया जाना चाहिए? हिंदी दिवस मनाया जाने की बात की गई थी। सबको क्लियर हो गया? और अगर आपसे पूछा जाए कि 14 सितंबर 1949 को जिस दिन हिंदी जो है राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, किसके संघर्ष किसके प्रयास से ये घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा कि राजेंद्र सिंह के प्रयास से, ठीक है, राजेंद्र सिंह के अथक प्रयास के द्वारा जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। और 14 सितंबर 1949 को इनका 50वां जन्मदिन था, जिनके उपलक्ष्य में ये निर्णय लिया गया संविधान सभा में सभी लोगों ने एक मत होकर कि हाँ भाई जो है हिंदी को एक राजभाषा के रूप में देखा जाएगा। डन। सबको, इन्होंने बहुत संघर्ष किया था हिंदी को राजभाषा मतलब राष्ट्रभाषा बनाने में, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं बन सकी हमारा, क्योंकि भारत जो है एक बहुभाषी देश है, हर कदम पे दूसरे भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन इन्होंने राजभाषा को जो है दर्जा दिलवा दिया था। डन। सबको अगला प्रश्न बताइएगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और राजा राम मोहन राय। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? बताइए जल्दी से। हाँ देखिए, देश में राष्ट्रभाषा के प्रति जागृति जो थी वो कहाँ पे सर्वप्रथम हुई थी, मतलब जो हिंदी है या जो भारत की राष्ट्रभाषा है उसके प्रति सबसे पहले जो जागृति आई थी वो बंगाल और महाराष्ट्र के एरिया में आई थी। कहाँ पे? जो बंगाल का एरिया है, जो महाराष्ट्र का एरिया है, वहां पे सबसे पहले आया था। और किसने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात की थी? तो याद रखिएगा ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम आप सभी ने सुना होगा। और राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर तो है नहीं, लेकिन राजा राम मोहन राय का नाम दिया गया है, इसलिए आपका कौन सा फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा कि हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर ने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही थी। डन। अगला बताइएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा में अनूदित है? नई चाल में ढली, कवि वचन सुधा, विद्या सुंदर या फिर चंद्रावली?
बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, विद्या सुंदर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है? विद्या सुंदर ही तो इनका जो है नाटक है, जो बंगला भाषा में अनुदित है, ये नाटक है। और बाकी जो है, अगर हम बात करें इनके कवि वचन सुधा की, चंद्रावली की, तो कवि वचन सुधा हो गया जो है, ठीक है। और ये चंद्रावली क्या है? चंद्रावली जो है इनकी, अगर हम चंद्रावली की बात करें तो ये इनका नाटक है, लेकिन कवि वचन सुधा की बात करें तो इनकी पत्रिका, ये बंगला भाषा में नहीं है, आप सभी याद रखिएगा इसे। तो आपका यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? समझ में तो आ रहा है ना सभी को? प्लीज मुझे बता दीजिएगा अगर कहीं पे भी डाउट होता है, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप सभी प्लीज, मैं कह रही हूँ आप सभी से कि भले मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बेटा, लेकिन आप सभी को अगर कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक भी कर देना, ठीक है ना? इतना तो बनता ही है, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। लास्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? बनारसी दास, सुंदर, सेनापति या फिर कादिर को? बताइए, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? बहुत बढ़िया, किसको? सुंदर को। कौन सा ऑप्शन सही है? सुंदर को मुगल बादशाह शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी दी थी। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे, ये जो सुंदर थे वो ग्वालियर के क्या थे? ब्राह्मण थे। और शाहजहां के दरबार में ये कविता सुनाया करते थे। शाहजहां ने इनको सबसे पहले, पता है, कवि महाकवि राय नहीं, सबसे पहले इनको कवि राय की पदवी दी थी, उसके बाद फिर इनको जो है उन्होंने महाकवि राय की पदवी दिया था। और संमत 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में इन्होंने सुंदर सिंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ भी लिखा था, सुंदर श्रृंगार। सुंदर श्रृंगार जो है इन्होंने ग्रंथ भी लिखा था, तो आप सभी याद रखिएगा। बाकी ये रहे आपके कुछ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में काफी पूछे गए हैं, और जो भी उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें भी थी वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है। बाकी किसी को कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और इसका जो पीडीएफ है ना, या फिर जो भी आपके नोट्स के पीडीएफ हैं, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे 9:30 बजे, और डिस्कस करेंगे आपके साथ नए टॉपिक पर, और जो भी चीजें होगी वो सारी बातें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है ये आपकी जिद है, और मुझे सिलेक्शन दिलवाना है ये मेरी जिद है। तो चलिए फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।